नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो इस वीडियो में देखना है एक्यूमुलेटर, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी नेसेसिटी एक हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है वो देखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक्यूमुलेटर है क्या? एक्यूमुलेटर को अपन जो डेली लाइफ से कंपेयर करके देखते हैं। आपका जो गाड़ी है, आपका टू व्हीलर कंसिडर कर लिए, टू व्हीलर में क्या होते हैं, चार स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट होते हैं। तो उसमें आपको एक ही स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक मिलता है जब पावर मिलती है, बाकी जो तीन स्ट्रोक है पिस्टन को जो आपको आगे पीछे लेके जाना है वो कौन करता है, वो फ्लाईव्हील करता है। सेम फ्लाईव्हील क्या करता है, जब पावर स्ट्रोक में एनर्जी स्टोर करके लेता है और बाकी के तीन स्ट्रोक के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज करता है। सेम आपका जो फैन का कंडेंसर है, फैन का कंडेंसर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, डिलीवर करता है, स्टोर करता है, डिलीवर करता है। सेम आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में भी क्या होता है कि कंसीडर कर लिए, मैं एक पूरा ये जो एक्यूमुलेटर समझाने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। एक पिस्टन है, यहाँ पे पुली है और यहाँ पे एक आपने क्या किया, लोड लिफ्ट करके रखा है। लोड आप रेज या उसको उठाया या उसको नीचे रख रहे। सेम हाइड्रोलिक सिस्टम में भी क्या है कि कंसिडर कर लो आपने, ये जो लोड है या अभी आपने ए पोर्ट है, अपने ए पे ऑयल का सप्लाई दिया और लोड को क्या किया, यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या कर लिया, लोड को रेस्ट कर दिया। फिर भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आपके पंप से ऑयल ए की तरफ जा रहा है और कंटिन्यूसली पंप आपका ऑन है, मतलब क्या अननेसेसरी क्या हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है। कुछ देर के बाद क्या होता है, आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है और पंप से ऑयल क्या होता है, पीआरवी की तरफ से टैंक की तरफ जाता है। लेकिन ये टाइम पे पंप ऑन है और आपका ऑयल ज़्यादा हीट होकर टैंक की तरफ जा रहा है, ये ऐसा केस है। तो एक्यूमुलेटर बेसिकली क्या है, एक्यूमुलेटर क्या करता है, कंसिडर कर लो यहाँ पर आपका एक्यूमुलेटर है, जब आपके सिस्टम का आइडल पीरियड रहेगा वो क्या करता है, खुद में एनर्जी स्टोर करके लेता है और जब सिस्टम को रिक्वायरमेंट है वो क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो फिर डेफिनेशन क्या है एक्यूमुलेटर का, एक्यूमुलेटर इज़ ए डिवाइस इन हाइड्रोलिक सिस्टम वी स्टोर एनर्जी इन आइडल पीरियड ऑफ सिस्टम एंड गिव इट टू सिस्टम व्हेन इट्स इन पीक डिमांड, जब सिस्टम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो क्या करता है, दे देता है। जैसे हाइड्रोलिक प्रेस में, हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है, आपका जो टूल है, नीचे कंसिडर कर लो आपका ये लोअर डाय है, अपर डाय है, आपने यहाँ पे कुछ तो मेटल का शीट रखा है, उसको आपको क्या करना है, फॉर्मिंग करना है। तो क्या होता है, लोड आप जो टूल है ऊपर लेके गए, बाद में फिर नीचे लेके आए, तो क्या करना है, आपका मेन हाइड्रोलिक प्रेस में काम कब है, आपको क्या करना है, वो शीट को क्या करना है, प्रेस करना है, तब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, वो टाइम पे क्या करता है, एक्यूमुलेटर आपका जो एनर्जी स्टोर है वो हाइड्रोलिक प्रेस को दे देता है, तो आपका फॉर्मिंग का ऑपरेशन हो जाता है। ये ऐसे एक्यूमुलेटर का यूज़ है। तो एक एक अभी क्या करते हैं, उसके फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन क्या है, टू मीट पीक डिमांड ऑफ पावर। मैंने जैसे बताया कि मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि पंप ऑयल यहाँ पे पिस्टन के फेस साइड बैठ रहा है, भेज रहा है, तो आपका लोड क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, तो कंटिन्यूसली ऑयल सप्लाई है, तो आइडल पीरियड है आपका, तो ये आइडल पीरियड में क्या करेगा, वो एनर्जी स्टोर करके रखेगा और जब आपके सिस्टम को ज़रूरत है वो दे देगा। उसके बाद है टू स्मूथ आउट पावर सर्जेस। टू स्मूथ आउट पावर सर्जेस मतलब क्या, कंसिडर कर लो आपका पंप ऑन है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हो गया, पंप ने ज़्यादा ऑयल डिलीवरी कर लिए, ज़्यादा ऑयल डिलीवरी करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो प्रेशर लाइन है उसमें पावर सर्जेस आते हैं, मतलब पावर वेव्स आते हैं, तो प्रेशर वेव्स, तो उसके वजह से क्या होता है, एक हैमर इफेक्ट आता है और वो हैमर इफेक्ट मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करेगा, ये जो एक्यूमुलेटर है वो क्या करेगा, एनर्जी उसका ले लेगा, तो आपका सिस्टम स्मूथ वर्किंग करेगा। उसके बाद टू प्रोवाइड इमरजेंसी पावर सोर्स। टू प्रोवाइड इमरजेंसी पावर सोर्स मतलब क्या, कंसिडर कर लो आपको लिफ्ट तो पता है जो आपकी बिल्डिंग में यूज़ होती है, उसमें क्या होता है कि लिफ्ट कंसिडर कर लो आपकी लिफ्ट, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, तो आपकी लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी तब क्या हुआ, ये बीच दो फ्लोर के बीच में आने के बाद क्या हुआ, पावर कट हो गया, लाइट चली गई, तो क्या होता है, लिफ्ट वहीं पे रुक जाती है क्या, नहीं, लिफ्ट क्या करती है, जो फ्लोर आपके नज़दीक है और जिसको पावर कम लगेगा वो क्या करता है, कैलकुलेट करके लिफ्ट को क्या करता है, उसको एक पहले मंजिल पे या दूसरे मंजिल पे वो क्या कर लेता है, वहाँ पे आके डोर ओपन कर जाता है, वहाँ पे स्टॉप होता है। वैसे ही है, कंसिडर कर लो मैं अभी यहाँ से ऑयल
एक ही तरफ भेज रहा था, वो टाइम पे क्या हुआ, मेरा जो पावर है पावर कट हो गया, तो लोड यहाँ तक आके रुक गया मेरा। तो मुझको ऐसे तो नहीं करना, मुझको क्या करना है, लोड कम्प्लीटली लोअर करना है या कम्प्लीटली रेज करके रखना है, मुझको मिडल में नहीं रखना है उसको। तो क्या हुआ, पावर कट हो गया तो लोड यहीं पर रुक गया, ऐसे नहीं। अभी क्या होगा, ये जो एक्यूमुलेटर है ये क्या करेगा, इसके अंदर की जो कुछ एनर्जी स्टोर है वो क्या करेगा, सिस्टम को देगा, मतलब एक्चुएटर को देगा, और एक्चुएटर क्या हो जाएगा, उस वहाँ तक जाके रुक जाएगा, ऐसे, मतलब टू प्रोवाइड इमरजेंसी पावर सोर्स। होल्डिंग हाई प्रेशर, होल्डिंग हाई प्रेशर मतलब क्या कि आपको कुछ सिस्टम्स ऐसी रहती है कि वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली पंप रन करके नहीं रखना पड़ता है। जैसे एरोप्लेन का लैंडिंग मैकेनिज्म है, उसमें जो नीचे उसके ये आता है लैंडिंग के टाइम उसके व्हील्स आते हैं, वो टाइम पे क्या है कि हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एक ऐसा डिवाइस हो कि उसमें अगर एक बार आपने एनर्जी स्टोर करके रख दिया तो वो बहुत देर तक, बहुत टाइम तक वो एनर्जी वैसे ही स्टोर होके रह जाती है, उसमें आपको वापस से पंप ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके मेन एग्जांपल्स क्या है, आपके जो हॉस्पिटल का बेड है वो एक है, उसके बाद डीजल इंजन का, डीजल जनरेटर का जो स्टार्टिंग मैकेनिज्म है वो है, आपके जो लैंडिंग मैकेनिज्म है एरोप्लेन का वो भी है। तो ये थे आपके फंक्शंस थे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो वीडियो में मैं डेड वेट के बाद गैस चार्ज एक्यूमुलेटर और स्प्रिंग लोडेड एक्यूमुलेटर तीनों भी कवर कर दूंगा। थैंक यू।